नमस्कार दोस्तों, किसान मित्र रिंकू यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज में आपका स्वागत है। तो किसान भाइयों, आज मैं ना डिस्ट्रिक्ट बदायूं में था और यहाँ पे थोड़ा आज लेट भी हो गए तो यहीं पर रुके हुए थे। तो भाइयों, यहाँ पड़ोस में ना एक ओयो होटल है, वहाँ पे रुके थे। तो उन्हीं के बगल में एक मुझे ना बहुत यूनिक सी दुकान दिखी, ये सामने बोर्ड दिख रहा होगा इनका। तो भाइयों, वहाँ से एक वीडियो शूट करने लग रहा हूँ। इनकी दुकान पे ना खेती किसानी से जुड़े ना छोटे छोटे बहुत तगड़े तरीके के प्रोडक्ट हैं, जो ना खेती किसानी में बहुत तगड़े वाली मदद करेंगे किसान साथियों की। जो भाइयों, मैंने भी कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो पहली बार देखें। तो भाइयों, प्रोडक्टों को ना मैं आपके सामने बिल्कुल दिखाऊंगा और भाइयों उनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी भी लेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं ये। भाइयों देखना, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मेरी भी समझ से बाहर हो रही हैं कि ये किस काम में आने वाली हैं। पहले आपको दिखा दूँ मैं एक बार सभी प्रोडक्ट। भाइयों काफ़ी बड़े भी हैं, छोटे भी हैं, और खेती किसानी में ना बहुत ज़्यादा मददगार हैं और सस्ते भी होंगे। भाई जैसे छोटे हैं ना तो ज़्यादा महंगे भी ना होंगे। ये यहाँ पे ना लवली एग्रो इंडस्ट्री के नाम से, ये बिसौली कस्बा पड़ता है बदायूं के अंदर भाइयों, उसमें हैं। तो भाइयों सभी चीज़ों के बारे में जानकारी लेंगे। पहले आपको मैं प्रोडक्ट में दिखा दूँ भाइयों, ये यहाँ पर छोटा पावर वीडर है, पावर टिलर भी बोलते हैं इसे भाइयों। ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है भाई। ये जुताई बुवाई के कामों में आम हैं और ये इससे बड़ा है। ये डीजल और पेट्रोल से चलने वाले हैं, तो इन सभी के बारे में जानकारी लेंगे। और ये इनके सभी अटैचमेंट हैं भाइयों। वीडियो बनाने का ध्येय सिर्फ यही था कि अपने जो भाइयों को ना ये चीज़ें भी मैं दिखा सकूं। ये देख लो भाइयों। तो भाइयों पूछेंगे सभी के बारे में, क्योंकि ज़्यादातर नॉलेज मुझे भी ना इसके बारे में, आपको बता दूँ। लेकिन प्रोडक्ट इतने यूनिक और बढ़िया वाले हैं के देख के ना मज़ा ही आ जाएगा। आज भी आज हमारे साथ ना मैडम जुड़ेंगी। अच्छा मैडम, थोड़ा सा ना अपनी दुकान के बारे में थोड़ा पता बता दें, अपना नाम भी बता दें। नमस्ते सर, मैं जी, हमारी जो कंपनी है सर तहसील बिसौली में है, डिस्ट्रिक्ट जो हमारी बदायूं स्टेट है सर यूपी। ये शॉप जहाँ पड़ती है वो पता बताओ। ये सर है बीपी फार्म हाउस बदायूं रोड पर बिसौली में। अच्छा अच्छा मैडम, जैसे मैं ये देख रहा हूँ ये छोटा पावर वीडर है आपका, ये तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे हमें। अच्छा अच्छा जी। अच्छा फल वगैरह के लिए, छोटे किसानों के लिए बड़ा मददगार है। जी 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 भैया देख लो छोटा सा। अच्छा, इस पर अटैचमेंट क्या क्या लग जाएंगे सर? इसके साथ में ये 24 इंच का रोटावेटर होता है। हाँ, और एक अटैचमेंट और जुड़ जाता है सर, रेजर होता है। रेजर जुड़ जाए इस पर। अच्छा अच्छा, ये तो बहुत बढ़िया। ये पेट्रोल से चले? पेट्रोल से चले। और भाई यहाँ से स्टार्ट हो जाए, ये भी बढ़िया बात है। तो इनका मेंटेनेंस तो ज़्यादा ना आता? कुछ नहीं सर। अच्छा, 800 ग्राम एक घंटे में आराम से, एक घंटे में 800 ग्राम खावें और बढ़िया काम करें। अच्छा, जैसे कुछ किसान साथी ले गए होंगे तो कैसा फीडबैक आ रहा है वहाँ से, कुछ थोड़ा सा बताओ। हाँ, यहाँ आसपास चल रहे होंगे ना, शिकायत कोई ना आ रही? हाँ भाइयों, कोई शिकायत ना आ रही। उससे बड़े बड़े मॉडल भी हैं इनके पास, ये देखो। अच्छा, ये भी पेट्रोल वाला जी? अच्छा, ये 7 HP में। तो इस पे जो रूटावेटर वगैरह, कितने फिट का रूटावेटर से जुड़ जाए इस पे? 32 प्लेट का रूटावेटर होता है। अच्छा, 32 प्लेट की खींच ले यूँ भाइयों, 32 प्लेट का जुड़ जाए इसमें। ये देखो, ये भी काफ़ी तगड़ा प्रोडक्ट है इनका, और टायर वायर साथ में। तो कितने अटैचमेंट इसके साथ जुड़ जाएँ? 22 तरीके के। अच्छा, तो इससे तो कुछ भी ना छूटेगा खेती किसानी में? हाँ, बड़े ट्रैक्टर की तरह काम करता है ये, छोटा ट्रैक्टर कह सकते हैं आप। अच्छा ये बताओ, जैसे धान के घोल में हम चलाना चाहें इसे पानी में, हाँ, तो वहाँ पे चलने लायक है यू? अच्छा, मतलब पानी में भी चल जाए यू? हाँ भाई, एक और मॉडल है, इसका क्या नाम है? कुछ नाम और मॉडल और कुछ हल्का फुल्का ना पैसों का आइडिया और कराते चलो। पैसे तो बताने वाले रेट तो सर 40,000। अच्छा, अच्छा अच्छा, सब अटैचमेंट लगा के अटैचमेंट का लगे। किसान भाइयों को एक 32 प्लेट का रोटावेटर देंगे। हाँ हाँ, और एक कल्टीवेटर। हाँ हाँ, और एक रेजर होता है मिट्टी चढ़ाने वाला। तो गारंटी वारंटी भी है? एक साल की वारंटी रहती है सर, गियर बॉक्स की और इंजन की। कोई भी दिक्कत आ जाए। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ भाइयों देख लो, ये भी काफ़ी बढ़िया है, इससे बड़े वाला भी। अच्छा, ये तो काफ़ी बड़ा लग रहा है जी मुझे। ये डीजल से चले पेट्रोल से? पेट्रोल का ही है। तो ये क्या HP है इसकी? ये 7 HP का सेल्फ स्टार्ट मॉडल है। अच्छा, 7 HP का सेल्फ स्टार्ट मॉडल है यू भाइयों। यहाँ पे बैटरी लगी है, ये देख लो, और सेल्फ स्टार्ट मॉडल बता रहे हैं इसे। तो ताकत वाकत सही लगा हुआ खेत में।
हाँ भाई, ये 7 HP का ये है, इससे आगे बढ़ेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो तो दिखाऊंगा। प्रोडक्ट बहुत सारे हैं मैडम के पास में। ये डीजल वाला पेट्रोल वाला क्योंकि ये काफ़ी बड़ा लग रहा है जी मुझे। हाँ, ये क्या HP माना इसका? ये 8 HP का। अच्छा, ये 8 HP का है। तो इस पे अगर हम जैसे 32 ब्लेड का आप रूटर बता रहे हैं वो चला रहे, 40 ब्लेड का रूटर खींच है यू। हाँ, और कल्टीवेटर भी, बाकी जो अटैचमेंट है सब इन पर जुड़ जाए। हाँ भाई, सब जुड़ जाए। एक पीछे वाला वो कुछ अलग है इन साइड पे। हाँ, ये बैक रोटरी में है सर। अच्छा, इसके ये दो और हैं। अच्छा, इनसे अलग भी आम है कुछ मॉडल? जैसे ये तो है ही मॉडल आपके पास में, मानो किसान साथी कोई और पूछने लगे जी, कोई और आता हो तो वो भी प्रोवाइड करा दोगे हैं? हाँ जी। अच्छा, ये बैक रोटरी में इनके बारे में और बताओ थोड़ा सा। अच्छा, बैक रोटरी और सेंटर रोटरी, वो फ्रंट रोटरी पे चल रहे हैं? अच्छा, और ये डीजल मॉडल। अच्छा, ये देख रहा हूँ इसका कुछ मुझे अलग मैकेनिज्म सा लग रहा है। ये अलग, ये बैक रोटरी है। अच्छा, इसमें व्हील्स और बैक रोटरी साथ में चलेगी। अच्छा, एक चीज और बताओ मैडम, मानो ले गया किसान तो ट्रैक्टर वगैरह तो देखो गांव में देखे चलते हुए और चलाता भी रहे, ये कुछ नया सा प्रोडक्ट, नए से प्रोडक्ट है और किसान साथियों के पास है भी कम, हो सकता है भविष्य में बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तो इसे चलाने में प्रॉब्लम तो ना आती? अच्छा, आराम से चल जा। अच्छा, लेडीज भी चला दें? अच्छा, चलाने में दिक्कत ना आती? हाँ। और भाइयों, ये सभी अटैचमेंट हैं इसके, इसे क्या बोलेंगे जी ये बताओ? मेड मेकर। अच्छा, ये मिट्टी चढ़ाने वाला, ये आयरन व्हील है, जैसे वो व्हील काम ना कर पाए तो उस हिसाब से आयरन व्हील। अच्छा, वो क्या है? ये रीपर है। रीपर भी इस पर लग जा? ये तो बहुत बढ़िया, ये तो सभी काम कर ले, इस पर तो ट्रैक्टर से ज़्यादा इम्प्लीमेंट लग जाते हैं भाइयों, देख लो सभी काम करता है। इधर रीपर भी लग जाता है इस पर, और ये सभी मतलब 40 प्रकार के बताए ना मैम? हाँ, 40 प्रकार के इसमें ना इम्प्लीमेंट जुड़ जाते हैं, तो ये बहुत तगड़े वाला सौदा लगा भाइयों मुझे तो। और छोटे बड़े सभी साइजों में हैं ये ना, एक एक HP करके बढ़ाए हैं कंपनी ने, और बड़े तगड़े वाले मॉडल बना दिए। अच्छा, तेल का खर्चा जैसे 6 HP 7 HP 8 HP तो बढ़ता चला जाता होगा ना? अच्छा, मुझे ये बताओ सबसे बड़े वाला जो मॉडल है आपका कितने HP है? 9 HP, उसके तेल का क्या खर्चा है? एक लीटर घंटे का। और डीजल वाला मॉडल जो बता रहे कौन सा हो? ये वाला भी डीजल है, ये वाला भी डीजल है। अच्छा, डीजल, तो डीजल में क्या एवरेज आ रहा है? एक लीटर। अच्छा, काम पूरा निकाल के दें। अच्छा मैडम, ये चीज़ बताओ कि मानो 1 बीघा जमीन है तो हम रूटर चलाने लगे इससे, तो कितने समय में कवर कर लेगा यू? 20 से 25 मिनट में। तो भाइयों, ये भी ठीक है, आसानी से एक दिन में आप 5-6 एक या 1.5 एकड़ जमीन आराम से अपनी निकाल सको हो, तो ये भी बहुत बढ़िया बात है। अच्छा मैम, ये और बताओ, जैसे अलग प्रोडक्ट हैं इनके बारे में, तो मैं तो पहली बार देख रहा हूँ, कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं तो उनके बारे में और बताओ। जैसे ये मशीन दिख रही है, ये तो सब जानने के स्प्रे मशीन है, लेकिन उसके बारे में बताओ तो वो क्या है भाइयों? ये खाद डालने मशीन है, जैसे यूरिया बोल दे ना ये ऐसे। हाँ, ये यूरिया डालने के लिए मानो, क्योंकि आजकल भाइयों भारत भी ना बहुत आगे निकल रहा है, अब यूरिया भी मशीनों से लगने लगेगा फसलों में। ये देख लो भाइयों, ये मशीन भी आ गई, इसके कुछ पैसों के बारे में पता आपको? ये 8,000 रुपये की है। अच्छा भाई, 8,000 रुपये की है, अगर खाद डालना हो तो ले लेना आप यहाँ से। बाकी और छोटे छोटे प्रोडक्ट हैं वो दिखाऊंगा, इनके बारे में और बताओ। अच्छा, ये तो फिर नॉर्मल चीज़ें हैं, सभी जाने की तरह आती है। अच्छा, यू क्या है, थोड़ा उठा के दिखाओ। ये क्यारी वगैरह की खेती जो? अच्छा, अच्छा, ये अपने इंडियन ही प्रोडक्ट है, कहीं बाहर के, बाहर से मंगाए आपने जी? इंडियन ही प्रोडक्ट है ना ये अपने? नहीं, ये इटालियन है। हाँ भाइयों, विदेशी प्रोडक्ट है, यहाँ के प्रोडक्ट ना, लेकिन है बड़े बड़े यूनिक। देखो ये आ रही है। अच्छा, इनकी एक चीज़ और बताओ मैम, कि ज़्यादा महंगे तो ना, किसान अफोर्ड कर लेंगे ना इन? हाँ भाइयों, ये छोटे छोटे प्रोडक्ट हैं और बड़े बढ़िया हैं, तो मैम से पूछेंगे कितने रुपए में पड़ जाए। अच्छा मैम, ये बताओ कितने तक मिल जाएंगे, जैसे कोई लेना चाहे अराउंड में सबके ही बता दो कि यहाँ तक आ जाए। 300-400 तक। अच्छा, 300-400 की रेंज में छोटे मोटे प्रोडक्ट अगर लेने हो तो भाइयों ये मिल जाए। मुझे तो ये बहुत पसंद आए, मैं तो सोच रहा हूँ ना कि कोई सा एक प्रोडक्ट जैसे ये है तो सही भी अपने साथ लेकर चलूँ घर को, या ये वाला है कुछ ना कुछ तो आज ले ही जाना मुझे यहाँ से। ये देख लो भाइयों, बहुत शानदार प्रोडक्ट हैं, घर वाले भी खुश हो जाएंगे अगर घर पे ले जाएंगे तो। अच्छा, ये क्या जी, इसके बारे में बताना थोड़ा सा। ये सर पेड़ काटने के लिए होता है। या पेड़ काटने के लिए इलेक्ट्रिक है वो? अच्छा, और ये जनरेटर आ गया आपका, इसे तो फिर लोग जानेंगे।
भाई ये जनरेटर है, ये बताओ ये टूल क्या है, ये वाला, ये पेड़ गाड़ने वाला होता है ना, मोटा पौधा होता है ना सब, अच्छा तो गाड़ने के लिए यूज किया जाता है। प्लांटेशन में काम आने वाला है ये प्रोडक्ट। और ये वाला जो ये देख रहा हूँ मैं, ये वाला, ये जो ये, हाँ ये हरी मिर्च की पौध वगैरह डालने के लिए। अच्छा ये हरी मिर्च की पौध वगैरह। अच्छा एक चीज़ मैंने बहुत यहाँ पे तगड़े वाली और यूनिक देखकर मेरी समझ में ना रही हो है क्या झुंझुना सा इसे बताओ पहले यू क्या है। सीड ड्रिल मशीन। सीड ड्रिल मतलब बीज गाड़ने वाली मशीन भाई, बीज गाड़ने वाली मशीन है। देखो अब हाथ के काम तो खत्म, लेबर भी खत्म, इससे बीज गाड़ लो। कुछ इसके बारे में आइडियाज है मैम बताओ थोड़ा सा। देखिए मक्का की गड़ाई कर सकते हैं, मूंगफली, चना हो गया, उड़द। अच्छा मक्का की बुवाई कर सकते हैं, मक्का ही ज्यादा बुवे अपने क्षेत्र में। तो ये क्या है डब्बे से? ये देखिए एक खाद के लिए होता है, एक आपके दाने के लिए जो होता है। भाइयों एक में डालो, या तो इसमें खाद डलेगा या इसमें बीज डलेगा। इसमें डालो, यहाँ से ये छोड़ते चले जाएंगे। और मैनुअल है, आप हाथ से ही चला सकते हो। ये बड़े शानदार वाला सौदा है भाइयों, इसमें तो ना डीजल खर्च हो ना पेट्रोल खर्च हो, और किसान साथी की थोड़ी मेहनत भी हो जा, तो ये भी बढ़िया। इसके क्या प्राइस होंगे अगर पैसे की बात करें तो, एक्चुअल में या दुकान पे? ये 7,500। अच्छा अच्छा आप ये चीज़ बताओ, मानो हमारा कोई किसान है वो देख रहा है बहुत दूर से, मानो पंजाब से, चंडीगढ़ से, महाराष्ट्र से या बिहार से, तो वो कैसे ले पाएगा इन प्रोडक्टों को? कॉल कर सकते हैं। अच्छा आपके जो नंबर हैं आप ऑनलाइन भी प्रोवाइड करा दो ना भाइयों, ऑनलाइन भी प्रोवाइड करा दें। ये नंबर चालू है, जो चालू है वो नंबर बताओ भाइयों। ये इनके नंबर हैं, ये देख लो आप, इन पे आप कॉल करके ना सामान ले सकते हो। और ये पता भी है इनका, और भाइयों ये ना जो कुरियर भी करते हैं, और जो अपने भाई हैं यहाँ से लेना चाहें तो इनकी दुकान का पता भी ये है, यहाँ पे बीबी फार्म हाउस के पास में है, बदायूं रोड बिसौली, उत्तर प्रदेश में पड़ती है इनकी ये दुकान। ये देख लो भाइयों, और काफ़ी तगड़े तगड़े प्रोडक्ट हैं। अभी तो कुछ रह गए हैं भाइयों, वीडियो इतनी लंबी होगी लेकिन दिखाने ज़रूर हैं, क्योंकि अब जब दुकान में घुस गए तो दिखा के ही निकलेंगे। अच्छा ये क्या मैडम, इसके बारे में? ब्रश कटर है सर। ब्रश कटर, हाँ, घास काटने वाली। घास काटने वाली, चलो इसकी तो कमी जरूरत पड़े, फार्म वगैरह में पड़ती होगी। ये पीछे ये क्या रखा? ये भी ब्रश कटर ही है। ये भी ब्रश कटर ही है। और वो क्या पीछे? वो इंजन है। अच्छा इंजन। अच्छा ये जो है ये क्या है? ये वाटर पंप। अच्छा ये वाटर स्प्रे पंप। और भी कुछ यूनिक है दुकान के अंदर, कुछ ऐसा हो जो हमसे छुट गया हो? बाकी क्या यही सभी प्रोडक्ट हैं भाइयों? सभी दिखा दिए मैंने, यही सभी प्रोडक्ट हैं, आपने देख भी लिया। अच्छा ये रह गया जी मैम, इसके बारे में और बताओ ये क्या है मैडम? एक मिनट, इसके बारे में और बताओ। ये भी सीड ड्रिल है। अच्छा ये भी सीड ड्रिल है, क्योंकि ये कुछ अलग सी लग रही है ना भाई, ये सीड ड्रिल है। इससे क्या क्या बो सके हम सर? इससे मक्का, चना वगैरह, मूंगफली, कोई भी सीड हम बो सके हैं भाइयों। ये सभी प्रोडक्ट थे जो खेती किसानी में यूज में आते हैं, और बड़ी हेल्पफुल प्रोडक्ट हैं भाइयों। छोटे 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 कम पैसों में आमे हैं, ये देख लो, ये पता वता है भाइयों इनका, क्योंकि मैं ना चाहूँगा बाद में कोई किसान मेरा परेशान हो, जिसको कोई प्रोडक्ट पसंद आ जाए, ये ऑनलाइन भी सेल कर दे। मैं हैं ये सभी प्रोडक्ट हैं इनके, तो भाइयों इनसे संपर्क जरूर कर लेना। और भाइयों आज इनमें से एक प्रोडक्ट मैं भी ले जाऊँगा, कोई सा ना कोई सा, बड़े पसंद आए हैं ये मुझे छोटे छोटे वाले। तो भाइयों वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करते हुए वीडियो को यहीं समाप्त करना चाहूँगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, और भाइयों शेयर जरूर कर देना, ताकि और हमारे दर्शक भाइयों के पास ये वीडियो पहुँच सके, जिससे कि मदद मिल सके उन्हें इसी तरीके के प्रोडक्ट देख के ना, मानो किसी को आवश्यकता हो तो खरीद सके। तो भाइयों जय जवान जय किसान के नारे के साथ आपको धन्यवाद कहना चाहूँगा। धन्यवाद।